A convex lens of 20 cm focal length forms a real image, which is 3 times magnified. The distance of the object from the lens is A 13.33 cm, B 14 cm, C 26.66 cm and D 25 cm. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी अपनी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छा, और कह रहे हैं कि वो रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है बच्चों? रियल इमेज, अच्छा। जैसे ही रियल इमेज की बात हो गई, हमको समझ में आ गया उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव होगा। एम बराबर क्या होता है? वी अपान यू। और रियल इमेज के लिए हमेशा क्या होता है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि रियल इमेज लेंस के दूसरी साइड बनती, ठीक है, अच्छा। उन्होंने कहा जो मैग्निफिकेशन है वो -3 है, ठीक, मतलब m आपको दे दिया -3, और आपसे कह रहे हैं बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है हमको, क्या बतानी है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस U इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात कर लेते हैं भाई, हमको ये पता है कि अगर कोई भी लेंस है वो रियल इमेज बच्चों कब बनाता है? सोचो, अगर उसका ये फोकस है, ये 2F है, तो उसकी रियल इमेज कब बनती है? और वो भी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट कहीं F और 2F के बीच में हो, देखो एक पैरेलल लाइन जाती है ना जो ऐसे हो जाती है, देखो ऐसे इसके फोकस से होती हुई ऐसे निकल जाएगी, और एक लाइन ट्रे ऐसे सेंटर से जाएगी जो कि ऐसे चली जाएगी, और यहाँ कहीं ये इमेज बनती है, देखो बड़ी इमेज बन गई, बिल्कुल ऐसा कुछ होता है। तो अगर ए बी ऑब्जेक्ट था तो ए डैश बी डैश इमेज बनती है। तो बच्चों देखिए, आपको दो ऑप्शन तो यहीं कटते हुए दिख रहे हैं भाई। जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा आएगी, देखो फोकस से दूर रखा हुआ है, ये U है, जबकि ये वाली वैल्यू होती है F, ये तो इससे ज़्यादा। इसका मतलब आपको ये बात पता चल गई कि जो U है वो F से बड़ा आएगा। अब जब F से बड़ा आएगा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो आंसर है वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। तो ये तो पक्का हो गया बच्चों यहाँ पे कि ये दो ऑप्शन नहीं होने, ये दोनों गलत हो, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने नहीं, तो बस अभी नहीं दो में चेक करना है, आसान हो गया थोड़ा, है ना। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे, तो m बराबर क्या होता है भाई? m बराबर होता है v अपान यू, ठीक है, और m दिया है -3, तो -3 बराबर हो जाएगा m v अपान यू, या v इक्वल टू हो जाएगा -3u, v बराबर क्या हो जाएगा? -3u, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम लेंस फार्मूला, अगर लेंस फार्मूला से मैं यहाँ बात करूँ तो 1/f बराबर क्या होता है बताओ? 1/v - 1/u, 1/v - 1/u सॉल्व कर लो यहाँ पे, क्या आएगा बताओ? 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, बराबर 1/v, v की वैल्यू क्या है? -3u, -1/u, तो 1/20 बराबर क्या आएगा? यहाँ पे 3u एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा? -3, क्या हुआ? 3u एलसीएम ले लिया बच्चों, तो क्या बचेगा? -1, और यहाँ पे 3 बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3, यानी कि 1/20 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया -4/3u, या 3u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर है, तो u कितना आएगा बताओ? u आ जाएगा -80/3 सेंटीमीटर, या इसको डिवाइड करोगे तो -26.67 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन ये बताता है बच्चों कि u लेंस के पीछे साइड, इधर बैक साइड में, लाइट जिधर जा रही है उसके अपोजिट साइड में। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 26.67 होगा, और माइनस बताता है पीछे एक साइड होगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है देखिए, वो यू की बिल्कुल करेक्ट वैल्यू दिया है, 26.66 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।